नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का ठेका अब टाटा समूह को मिल चुका है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने एक बयान में कहा कि इस संबंध के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, सड़कों, उपयोगिताएं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी। आइए देखते हैं इससे जुड़े बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। टाटा समूह को मिले इस प्रोजेक्ट में कुल 1334 हेक्टेयर में फैली ग्रीनफील्ड सुविधा से पहले चरण में 5700 करोड़ रुपए के निवेश से एकल रनवे परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसकी क्षमता हर साल 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य अधिकारी क्रिस्टोफ सेलमन का कहना है कि हमें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के EPC काम के लिए टाटा प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी करने की कोशिश की है। आपको बता दें, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट नई संसद भवन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बुलंद हिंदुस्तान।